शहर को स्वच्छ बनाने के लिए पहले नगर परिषद ने सोलन को डस्टबिन फ्री घोषित कर दिया और जो लाखों रुपए लगाकर कूड़ेदान सोलन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए गए थे उन्हें उठा लिया गया है। घर घर से कूड़ा उठाने के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था जस की तस रही। जो कूड़ा पहले कूड़ेदान में होता था अब सड़कों पर बिखरा नजर आता है। सफाई कर्मी घर घर कूड़ा एकत्र करने जाते हैं, लेकिन वे कई क्षेत्रों में प्रतिदिन नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते शहरवासियों को कूड़ा मजबूरन सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है। गौरतलब बात यह है कि अगर नगर परिषद ने हजारों रुपए खर्च कर प्रत्येक वार्ड में फिर से कूड़ेदान लगा दिए हैं, जिसमें दरवाजे लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि कोई कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डाल रहा है, जिसके चलते शहर में गंदगी का आलम देखा जा रहा है। रोष प्रकट करते हुए शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद और स्थानीय महिला ने कहा कि कोविड के समय में नगर परिषद द्वारा ऐसे कूड़ेदान शहर में लगाए गए हैं जिसमें दरवाजे लगे हैं। इन दरवाजों को खोलने में लोग संकोच कर रहे हैं, क्योंकि संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। इसलिए लोग कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डाल रहे, बल्कि वे बाहर ही फेंक रहे हैं, जिसके चलते शहर में जगह जगह कूड़ा देखा जा रहा है, जो आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जो कूड़ेदान पहले लगे थे वे ठीक थे, लोग उसमें आसानी से कूड़ा डाल सकते थे, वे कूड़ेदान कहाँ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नगर परिषद लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, जिसकी वे निंदा करते हैं। नगर परिषद सोलन, हम तो कई वर्षों से बोल रहे हैं कि सोलन की समस्याओं को हल करने के लिए बिल्कुल विफल है और इसे बड़ी पहले ही भंग कर दिया जाना था। शायद अब ये बात जो है भाजपा के चुनिंदा पार्षदों और भाजपा के नॉमिनेट हुए पार्षदों को भी अब ये बात समझ में आने लग गई है। इसीलिए अब नगर परिषद के चेयरमैन व उनकी नीतियों का खुलेआम विरोध जो है वो अब किया जा रहा है। और इसका साथ कारण क्या है? कारण यह है कि नगर परिषद, मैं कहूँगा जो ये नगर परिषद का कार्यकाल रहा पिछले 5 वर्षों का, ये सबसे जो है सोलन का जो है काला समय मैं कहूँगा कह रहा, जहाँ पर कोई भी जो है विकास कार्य नहीं हो पाया है। जैसा कि हमने पहले से डस्टबिन के पीछे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है शहरी कांग्रेस ने, कि शहर के अंदर जो है वो डस्टबिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर जब भी देखिए डस्टबिन इन्होंने एकदम से हटा दिए, शहर से एकाएक डस्टबिन गायब कर दिए और लोगों के घरों से कूड़ा उठाना शुरू कर दिया। जब यह प्रक्रिया ये करते करते रहे और यह कामयाब ना हो पाई, तो अंत में आकर इन्हें फिर से जो है उसी बात पे आना पड़ा कि हमारे शहर के हर वार्ड में अब ये लोग फिर से जो है वो डस्टबिन लगाने लग गए हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि जो पहले के डस्टबिन थे वो बहुत महंगे डस्टबिन थे, आखिर वो कहाँ गए? वो किसको इन्होंने बेचे या उसका क्या हुआ? उसका भी जो है, क्योंकि जनता के पैसे थे, जनता के पैसों से खरीदे हुए डस्टबिन थे, उनका इन्होंने क्या किया वो भी नगर परिषद को बताना चाहिए। और अब आपको पता है कि इन्होंने कमरे जितने बड़े बड़े डस्टबिन जो हैं पूरे शहर में लगा दिए हैं, और वो भी जो हैं कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनकी जो डस्टबिन जो हैं वो बंद रहते हैं। आपको पता है आजकल कोरोना का समय है, कोरोना के समय में हर इंसान को सामाजिक दूरी बनाने के लिए कहा गया है और एक ही चीज़ को सभी ना छुएं, इसीलिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु अगर इस कूड़ेदान को हर व्यक्ति आके खोलेगा, हैंडल से खोलेगा, तो कोरोना को फैलने का जो है और भी ज़्यादा डर बढ़ जाएगा। और नगर परिषद ने जो कूड़ेदान बनाए, इसमें कोई भी खिड़की, एक तरह की अगर ये खिड़की रखते और उसमें एक पतरा सा लगा देते कि कोई भी इंसान आता इसमें कूड़ा फेंक जाता और वो कूड़ा अंदर जाता और वो टीन का पतरा खुद ब खुद बंद हो जाता, पर नगर परिषद ने ऐसे डस्टबिन नहीं बनाए, ये खरीदे भी नहीं है, इन्होंने खुद बनाए हैं। बनाने के बावजूद भी इतनी कमियां इसके अंदर हैं, ना ही ये टिकाऊ है, जहां 2 दिन भी इसको लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि मात्र 2 दिन के लगाने के बाद ही इसकी सारी बिल्डिंगें उखड़ गई, सारे दरवाजे टूट गए। तो ये किस तरह का जो है लोगों के पैसों को व्यर्थ किया जा रहा है? ये डस्टबिन यहाँ लगा है, मेरे पीछे डस्टबिन है, और आप देखिए कि डस्टबिन अंदर जो है वो पूरा खाली पड़ा है और उसके चारों तरफ जो है वो कूड़ा है। क्यों? क्योंकि आम व्यक्ति हैंडल को छूने से डर रहा है, वो इसे नहीं खोल रहा है कि न जाने किस किस लोगों ने इसे छुआ होगा, जिससे कोरोना महामारी के बढ़ने का भी डर है, और लोग इस डर से कूड़ा जो है वो बाहर ही फेंक के जा रहे हैं। सिर्फ मुझे लगता है खाना पूर्ति करने के लिए और अपने सर से बात टालने के लिए अध्यक्ष जी ने ये डस्टबिन सारे में लगा दिए। कुछ दिन पहले तो अध्यक्ष जी का ये कहना था कि कुछ शहर में चुनिंदा लोगों के अलावा कोई भी डस्टबिन की डिमांड नहीं कर रहा है, तो मैं पूछना चाहूँगा तो अब क्यों उन्होंने पूरे शहर में जो है डस्टबिन लगाने का कार्य किया, जिसको हम बड़ी पहले से ही, और हमारे माननीय विधायक कर्नल शांडिल जी ने भी कई बार ये मुद्दा उठाया
कि डस्टबिन जो है वो शहर में अति आवश्यक चीज़ है और डस्टबिन जल्द से जल्द लगने चाहिए। नगर परिषद को भी कई बार कर्नल धनीराम शांडिल जी ने निर्देश दिए कि शहर में आप जल्द से जल्द जो है वो डस्टबिन लगाइए, पर दुख की बात यह है कि लोगों को सुविधा देने के बजाय ऐसे डस्टबिन लग गए हैं जो अब लोगों की और आफत को बढ़ा रहे हैं। यहाँ अफसर लोग चलते हैं, अफसर कॉलोनी कौन बोलेगा इस कूड़े को देखे कि अफसर कॉलोनी है। छूने के लिए नहीं छुएंगे, कुछ तो कोरोना भी है, कुछ ऐसे भी डस्टबिन का गेट कोई नहीं खोलेगा, ओपन होना चाहिए ऊपर से ताकि सुबह कोई भी आए तो कूड़ा उस पर डाल दे। तो क्या मानते हैं कि डस्टबिन लगाने का कोई फायदा नहीं इसका, अगर डस्टबिन लगाना है तो इसको ओपन करो ऊपर से, थोड़ी जगह होगी तो ताकि कूड़ा अंदर डाल सके।